लेकिन हमने आज एक नया नारा बनाया है भारत के इतिहास में, तुम मेरा साथ दो हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। ये वो वीडियो है जो आजकल सोशल मीडिया पर काफी चर्चा में है। जी हाँ, ये है बागेश्वर धाम वाले बाबा जिनको लेकर आज एकदम धड़ल्ले से चर्चा हो रही है। अब हनुमान चालीसा झूठी तो नहीं है, अब वो टेस्ट ले रहे हैं, मीडिया वाले तो मिले हुए तो है नहीं, ठीक है, तो वो अगर जो उनका टेस्ट लिया जा सकता है तो मौलाना फादरी इन सब का भी टेस्ट लें, पास होते हैं कि नहीं, जैसे वो 40 चैनलों के सामने अपने आप को प्रूफ कर रहे हैं, ये लोग भी कर रहे हैं, तब बातें आएंगी खुल के। वो वहाँ पे पहुँचा है, किसी वजह से पहुँचा होगा, कुछ उसने किया होगा अपनी ज़िंदगी में कुछ, तो उसी वजह से पहुँचा। तो जो लोग उनको टारगेट कर रहे हैं उनसे यही है कि जब तक फिलोसफर आप तब तक ना बनो जब वो लेवल हासिल ना कर लो, जिसका बार ऊपर जाता है उसको लोग टारगेट कर लेते हैं, काइंड ऑफ लोगों में जलन जेलेसी फील होनी होती कि भाई मैं कैसे नहीं हो रहा हूँ, ये कैसे हो रहा है, तो टारगेट करो। जब आप किसी के मुकाम पर पहुँच नहीं पाते तो आप बैक बाइटिंग शुरू कर देते हो। चमत्कार का जिसका काम हो जाता है उनके लिए चमत्कार लगता है, और जिनका काम नहीं हो तो कौमो माया भी हो सकता है। जो भी ये हैं बाबा संत हैं, किस बाबा संत रहें, लेकिन हम राजनीति जब बात करने लगते हैं ना तो वो उनका स्तर वहाँ से, मेरे नज़रों में उनका स्तर वहाँ से डाउन हो जाता है। अब लोगों की मदद करो, बाबा हो। ऐसा ज़रूर हो सकता है कि किसी एक पर्टिकुलर इन्वायरमेंट में कोई बैठा हो, 2-3 घंटे से वो लेक्चर चल रहा हो, तो उस लेक्चर के बेसिस पे वो एसेस कर लेते हो और थोड़ा माइंड रीडिंग का कॉन्सेप्ट हो, इस तरह से वो एनालाइज कर लेते हो, तो हो सकता है। लेकिन कोई जादुई ताकत वाला तो हम लोग उसके लिए कन्विंस नहीं हो सकते। देन वो तपस्वी हो सकते हैं, क्या पता कुछ ऐसा तप हो सकता है कि वो जेन्युइन भी हो, बाकी वो ऐसा कुछ बुरा तो कर नहीं रहे, कम्युनिटी के लिए भला ही कर रहे हैं। आप लोग मुख्य मुद्दों से क्यों भटकाते हो जनता को? जनता के ये मुख्य मुद्दे हैं कि चमत्कार है या ढोंग है, ये कोई मुद्दा नहीं है। मुद्दा महंगाई है, बेरोजगारी है, भ्रष्टाचार है, कहीं ना कहीं आपकी औसत आय कम हो रही है, आप बच्चों को नौकरियां नहीं मिल रही हैं, आप कहीं ना कहीं सांप्रदायिक रूप से विद्वेष फैल रहा है, असलियत के मुद्दे ये हैं। ये मुद्दे जो धीरेन्द्र शास्त्री वाला है, ये आम जनता को मुख्य मुद्दों से भटकाने का प्रयास भर है। लेकिन हमने आज एक नया नारा बनाया है भारत के इतिहास में, तुम मेरा साथ दो हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। ये वो वीडियो है जो आजकल सोशल मीडिया पर काफी चर्चा में है। जी हाँ, ये है बागेश्वर धाम वाले बाबा जिनको लेकर आज एकदम धड़ल्ले से चर्चा हो रही है। तो भाई, चर्चा इतनी ज्यादा हो रही है कि जो आम जनता है, नेता है, राजनेता है, मीडिया है, वो सारी समस्याओं को भूलकर बस इन्हीं के बारे में बात कर रहे हैं। कंट्रोवर्सी मचा दी है इन्होंने अपनी बातों से, अपनी वीडियो से। तो भाई, हम आज आ चुके हैं जनता के बीच में और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर आम जनता की क्या राय है। कंट्रोवर्सी तो मची है, तो जनता किस तरह से देखती है, क्या लगता है उन्हें, चमत्कार है या फिर बाबा को वाकई कोई सिद्धि मिली है? चलिए बात करते हैं जनता से ही। जी सर, तो क्या लगता है आपको, बाबा जी सही है या फिर कुछ गड़बड़ है? बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। हाँ, मैं मानता हूँ अगर जो पुराने शास्त्रों में बातें लिखी हैं, भूत प्रेत ये सब चीज़ें हैं, तो वो हैं। अब हनुमान चालीसा झूठी तो नहीं है, अब वो टेस्ट ले रहे हैं, मीडिया वाले तो मिले हुए तो हैं नहीं, ठीक है, तो वो अगर जो उनका टेस्ट लिया जा सकता है तो मौलाना फादरी इन सब का भी टेस्ट लें, पास होते हैं कि नहीं, जैसे वो 40 चैनलों के सामने अपने आप को प्रूफ कर रहे हैं, ये लोग भी कर रहे हैं, तब बातें आएंगी खुल के। और मैं मानता हूँ हनुमान चालीसा को भी मानता हूँ, बजरंगबली हैं भी, आप तो हम लोग का देसी विश्वगुरु, इसीलिए तो बोला जाता है। क्या नाम है आपका? शिवम तिवारी जी। तो शिवम भैया का कहना है, अरे रुकिए, तो सुनिए, तो अभी सवाल हमारे और है जी। तो अभी इस पे ना कुछ राजनीतिक भी थोड़ा सा ट्विस्ट देखने को मिल रहा है कि भाई लोग उन्हें चैलेंज कर रहे हैं, तो इसे किस तरह से देखते हैं आपकी इन बात? राजनीति की नहीं है, उन्होंने सीधा मना करा है, मैं राजनीतिक मुद्दों पे बात नहीं करता हूँ, वो राजनीतिक किसी भी पार्टी को सपोर्ट नहीं करता हूँ, उन्होंने क्लियर बोल रखा है। मैं खुद मानता हूँ बागेश्वर धाम को। आप कभी गए हैं? आप गए हैं वहाँ पे? मेरी इच्छा है, जाना चाहता हूँ, ऑफिस के काम से छुट्टी मिलेगी तब जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे। हम लोग ऑफिस वाले हैं, नहीं छुट्टी मिलती इतनी। ये है कि अब उनको बहुत अच्छे से जानने लगे हैं जब से सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म, पहले उनके बारे में मतलब थोड़ा बहुत पता था, अब तो सारी चीज़ें पता है, तो हमारी खुद इच्छा है कि जानना चाहे और मैं जाऊंगा। अच्छा, कुछ लोगों का ऐसा भी कहना है कि जादू टोना है ये। जादू टोना कुछ नहीं होता है, मतलब बाबा को शक्तियाँ मिली है। देखिए, आप हैं मतलब हम हैं, जो अपना एक
जो उनका है पूजनीय है, उनका भरोसा है, लोगों को विश्वास मिलता है, जीने की प्रेरणा मिलती है, तो क्या बुरा है। साइंस भी तो नेगेटिव पॉजिटिव मानता है, तो अभी भी अगर जो तुलसीदास जी की लिखी हनुमान चालीसा झूठी है तो बाबा को भी झूठा बना दो। जब वो सच है, वो सब मानते हैं। आप पढ़ती हैं ना हनुमान चालीसा? सभी पढ़ते हैं, आप पढ़ते हैं ना, मानती है ना, उसमें लिखा हुआ चीज़ें सत्य हैं। तो भूत प्रेत के बारे में लिखा है तो वो सत्य है, खत्म बात। मतलब भूत प्रेत होते हैं? हाँ होते हैं, बिल्कुल होते हैं। अगर जो लिखा हुआ अगर जो झूठ है, हनुमान चालीसा को आप झूठ मानती हो तो झूठ है, लेकिन नहीं है ना, वो चीज़ें सही हैं। अच्छा ठीक है, ये तो बातें हुई मानने की सुनने की। देखा है क्या कभी आपने, देखा है क्या? क्या पर्सनल एक्सपीरियंस बताएं? पर्सनल एक्सपीरियंस ये है, अब होता है नहीं होता है पता नहीं है, मेरे लास्ट अभी इसी ठंडक की बात बता रहा हूँ। मतलब वहाँ से मैं 10:30 बजे प्लासियो क्लोज होता था मॉल, हम लोग को स्टोर मिला हुआ था, तो वहाँ से रात में ही निकलते हैं, ठीक है। हालांकि वो भूत प्रेत ये क्या है नहीं है, तो सडनली आ रहा था रास्ते में, पता नहीं कुछ अजीब सा महसूस होता है। ये मैं पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, मैं भूत प्रेत ये मानूँ ना मानूँ, आप अपना अपना, मैं पता हूँ। मैं इतना रास्ते में डर गया था, कहने वहाँ पे इधर से एरिया है, बहुत सुनसान एरिया है, वो सन्नाटे अकेले के वजह से भी आदमी डर जाता है, बजरंग बली ही याद आते हैं। तो लेकिन मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं किसी ये नहीं कह रहा हूँ कि भैया आप भी भूत को मानो या किसी के धर्म के प्रेत मानो। चलिए हम मुद्दे से नहीं भटकते हैं, हम बात कर रहे हैं बागेश्वर धाम वाले बाबा की। तो भैया का कह रहे हैं कि वो बिल्कुल सही काम कर रहे हैं और जेन्युइन पर्सन है, कोई चमत्कार नहीं है, सिद्धि है उनको। बिल्कुल। चलिए और लोग भी हमारे साथ हैं। चमत्कार का जिसका काम हो जाता है उनके लिए चमत्कार लगता है। अच्छा। और जिनका काम नहीं हो तो कौमो माया भी हो सकता है। अच्छा। क्या नाम है आपका? नाम मत पूछिए, ऐसे सवाल पूछिए। अच्छा मतलब विश्वास है आपको बाबा के ऊपर? नहीं विश्वास हमें देखिए सिर ऊपर वाले के ऊपर, इनके ऊपर क्या विश्वास कर सकते हैं। इससे पहले भी बहुत महान महान लोग आए, साईं बाबा लोग रहे हैं, ये लोग कभी अपने आप को भगवान तो नहीं कहना, इन्होंने तो यही कहा है कि भगवान सिर्फ एक ही है ना, तो फिर हम उन पर ही विश्वास करें। अब उनको छोड़ के अगर हम इंसान को भगवान मान ले रहे हैं तो फिर ऐसे बहुत लोग हैं जो उनको भगवान ही मान लो, फिर तो उनको फिर पूजो ही ना। देखिए दो बातें आपकी बातों से निकल, एक तो आप कह रहे हैं हाँ चमत्कार है, फिर आप कह रहे हैं उनको भगवान नहीं मानना है, तो एक मैं आपसे सीधा सवाल ही पूछना चाह रही हूँ। चमत्कार देखिए, अब मेरा कोई काम फंसा है, मेरा अगर किसी के जरिए से काम हो जाता है तो फिर हम उनको मान लेते हैं कि चलो इनकी वजह से मेरा काम हो गया, तो मतलब नहीं, ये तो वो राय होगी जो भाई एक इंसान कहता है, लेकिन आपकी व्यक्तिगत राय क्या है, आपको क्या लगता है कि मतलब सच में उन्हें आभास होता है, बजरंगबली बालाजी जो हैं उन्हें रास्ता दिखाते, उन्हें बताते, जैसे वो पर्ची पे लिख के सबका नाम बता देते, क्या ये सब रियल में है या फिर कुछ माइंड गेम चल रहा है? क्योंकि माइंड रीडिंग साइंस को भी भाई हम नकार नहीं सकते। अभी एक न्यूज़ में शायद एक लड़की थी, उसका नाम नहीं याद रहा, उसने भी माइंड रीडिंग की वजह से ही काफ़ी हाँ सुहानी। अब उसको या तो हम चमत्कार मान लें या तो मैजिक मान लें, वो सब जादू ये सब चीज़ें अलग अलग हैं, हम नहीं मानते ये सब चीज़ें, बिल्कुल भी नहीं मानते। मतलब कोई चमत्कार, कोई जादू, कुछ भी नहीं। चलिए आपकी क्या राय सर, क्या लगता है? नो कमेंट। नो कमेंट। अच्छा कभी भूत दिख जाए तो क्या करेंगे आप, कभी आपको डर लगा है? नहीं डर लगता है ना, डर लगा है, गाँव में हमें डर लगा है, गाँव गए हैं कभी लगे। अभी तो क्या आप क्या करते हैं? कुछ नहीं मैम, डर ही नहीं लगता हमको। डर ही नहीं लगता, क्या बात है भाई, डर ही नहीं लगता आपको लगता है? उसमें नो डाउट हम डर इंसान है, डर है हाँ सब। हाँ जी चलिए सर कुछ कह रहे हैं जी। भूत प्रेत वगैरह कुछ भी नहीं होता, सब आपकी मेंटल स्टेबिलिटी के ऊपर होता है, आप किस चीज़ पर बिलीव कर लो वो चीज़ से चमत्कार हो जाएगा। आप अभी इस पर बिलीव करके रखो, यहाँ पे कुछ लग जाएगा आपको, लगेगा आप अज्यूम कर लोगे, अजम्पशन हो जाएगा एक माइंड में कि यहाँ से चमत्कार हो गया, बट ऐसा हो नहीं रहा है। अगर इन रियलिटी हम लोग फेस करेंगे तो ऐसा हो नहीं रहा है, तो ये सब कहाँ सुनी मनगढ़ंत चीज़ें हैं कि ये चमत्कार हो गया, कुछ नहीं। ऊपर वाला सिर्फ एक ही वही करते हैं, आप भगवान मान लो, अल्लाह मान लो, जो भी मान लो, एक ही इंसान चमत्कार करता है, उसके अलावा नो वन इज़ ऑन दिस अर्थ वो कैन डू एनी मैजिक। यहाँ पे बहुत से मतलब डेमोक्रेसी है, इतने लोग अलग अलग रिलीजन पे हैं और बहुत सी चीज़ें मानते हैं, तो सबका अपना अपना बिलीफ है, जो जिसका बिलीफ है वो उस साथ अपनी लाइफ स्टाइल जी रहा है। तो किसी देखिए तो इतनी लंबी जो लंबी लंबी कतारें, हजारों लाखों की संख्या में बागेश्वर धाम में जो लोग आते हैं उनके भक्त कहलाते हैं, वो उनका भी मत है ठीक है, और एक तरफ उन्हें टारगेट भी किया जा रहा है। देखिए इसे कोई दिल पे ना ले, लेकिन टारगेट का एक मामला ये है कि जैसे अब हमें बहुत नॉर्मल हैं और अचानक से अगर एक मेरा ट्रेंड ऊपर हो जाए, पीक पे आ जाए, तो बहुत संत बैठे हैं बेचारे, उनका भी तो ट्रेंड में आ जाए, अब कहीं ना कहीं उसकी वजह से भी हो सकता है वो टारगेट हो रहे हो। 26 साल की उम्र में उन्होंने तो बहुत मुकाम हासिल कर लिया ना, ये भी हो सकता है टारगेट, इसका भी हो सकता है, नहीं तो फिर
अब यहाँ का क्या माहौल है, कोई भी ऊपर उठ जाता है, कोई भी नीचे आ जाता है, कोई भी विरोध करने लगता है, तो बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। जो भी हाइप में आता है टारगेट उसे ही किया जाता है बेसिकली। जो भी हाइप में आएगा, कोई भी, इफ़ इनकेस हम एग्जाम्पल ले लें, कोई सेलिब्रिटी हो, कोई संत हो, कोई साधु हो, जिसका बार ऊपर जाता है उसको लोग टारगेट कर लेते हैं। काइंड ऑफ लोगों में जलन, जेलेसी फील होनी होती कि भाई मैं कैसे नहीं हो रहा हूँ, ये कैसे हो रहा है, तो टारगेट करो। जब आप किसी के मुकाम पर पहुँच नहीं पाते तो आप बैक बाइटिंग शुरू कर देते हो। तो बेसिकली यही होता है, कोई अच्छा मुकाम पे आ गया, कोई अच्छे बार पे आ गया, स्केल पे आ गया, तो आप वहाँ तक पहुँच नहीं सकते तो उसके बारे में बोलो मत। वो वहाँ पे पहुँचा है, किसी वजह से पहुँचा होगा, कुछ उसने किया होगा अपनी ज़िंदगी में कुछ, तो उसी वजह से तो पहुँचा। तो जो लोग उनको टारगेट कर रहे हैं उनसे यही है कि जब तक फिलोसफर आप तब तक ना बनो जब वो लेवल हासिल ना कर लो, शांत रहो। जो भी ये हैं बाबा संत हैं, ये बाबा संत रहें लेकिन हम राजनीति जब बात करने लगते हैं ना, तो वो उनका स्तर वहाँ से, मेरे नज़रों में उनका स्तर वहाँ से डाउन हो जाता है। अब लोगों की मदद करो, बाबा हो, और बाबा जो ज्ञानी बाबा हैं वो कभी भी ये सब चीज़ें राजनीति के मुद्दों पे आप ये करो, आप सनातन को बचाओ, कौन खतरे में है, कोई खतरे में? अच्छा, उनका कहना ये भी है कि वो उनकी घर वापसी करा रहे, उनका धर्मांतरण करा रहे, जो हिंदू भाई बहन है उन्होंने किसी दूसरे धर्म में शरण ले ली है, तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए अपनी मतलब कि वो उन्हें ही घर वापसी करा रहे हैं सनातन धर्म में हिंदुओं को, वो वापसी नहीं करा रहे। मसला सबसे बड़ा क्या होता है कि हमें किस जगह पे खुशी मिल रही है, हमें जहाँ खुशी मिलेगी हम वहाँ चले जाएंगे, हम मुसलमान हैं हम हिंदू चले जाएंगे, हम हिंदू हैं मुसलमान में चले जाएंगे, जो भी हो वो अपनी खुशी के ऊपर होता है। इनको जहाँ जिसको जहाँ खुशी मिले, जिस धर्म में खुशी मिले वो वहाँ पर जाए, बस ये मानना है। लेकिन आप बाबा हो, आप राजनीति के मुद्दों पर बात मत करो कि ये करो वो करो, क्योंकि हमने तो जहाँ बहुत बड़े बाबाओं को देखा है वो कभी भी ऐसे मुद्दों पर बात ही नहीं करते, वो अपना ईश्वर पर लीन हो जाते हैं, बस एक अच्छा काम और कुछ भी नहीं, वो बिल्डोजर चलाओ, ये चलाओ, वो सरकार का काम है, वो सरकार करती है, लेकिन बाबा का जो काम है लोगों की मदद करो और चुपचाप अपना ईश्वर से लीन रहो, फर्जी की बातें नहीं। बागेश्वर धाम को लेकर मची कंट्रोवर्सी पर हमारे युवाओं का क्या कहना है, आइए जानते हैं। सर क्या लगता है आपको, वाकई में बाबा जी के पास शक्तियाँ हैं या फिर कोई झोलझाल है? एक्चुअली जैसे हमारी डिस्कशन हुआ कि हम लोग तो साइंटिफिक टेंपर के लोग हैं, तो हमें इतना आइडिया नहीं है और ना मैं बिलीव करता हूँ कि इस तरह की कोई शक्तियाँ होती हैं। हाँ, ऐसा ज़रूर हो सकता है कि किसी एक पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में कोई बैठा हो, 2-3 घंटे से वो लेक्चर चल रहा हो, तो उस लेक्चर के बेसिस पे वो एसेस कर लेते हो और थोड़ा माइंड रीडिंग का कॉन्सेप्ट हो, इस तरह से वो एनालाइज कर लेते हो, तो हो सकता है। लेकिन कोई जादुई ताकत वाला तो हम लोग उसके लिए कन्विंस नहीं हो सकते। क्या नाम आपका? मेरा नाम असद है जी। असद जी का कहना है कि भाई माइंड रीडिंग गेम है पूरा, आपको क्या लगता है सर? सब माइंड रीडिंग है, पूरा पब्लिक जितना भी वहाँ पर प्रेजेंट है वो सब एक एनवायरनमेंट में रहते हैं, तो इस एनवायरनमेंट में सारी पब्लिक कन्विंस हो जाती है, सो दैट्स द वे। सर बागेश्वर धाम वाले बाबा को लेकर आपकी क्या राय है? मैं असद भाई की बात से सहमत हूँ जी। सर आपका क्या कहना है? मेरा कहना यही है कि बागेश्वर धाम के जो पुजारी जी हैं, सबसे पहले तो एक थोड़ा एक अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी है, उनकी तरफ ज़्यादा से ज़्यादा पर्सनैलिटी खींचे चले आ जा रहे हैं। अभी मैं जैसे पंजाब के पास से हूँ, तो हमारे उधर एक सिंगर है इंदरजीत निकू। ओहो पाजी, तुसी पंजाब से हो, क्या बात। हाँ जी हाँ जी, तो दो चीज़ें हो सकती हैं कि एक तो उनके पास माइंड को पढ़ने की क्षमता हो सकती है, देन वो तपस्वी हो सकते हैं, क्या पता कुछ ऐसा तप हो सकता है कि वो जेन्युइन भी हो। बाकी वो ऐसा कुछ बुरा तो कर नहीं रहे, कम्युनिटी के लिए भला ही कर रहे हैं। गीता के अभी मैं जस्ट अभी वाराणसी में था, तभी मैंने उनके उधर देखा था, तो लोगों को अच्छे से वो कथा पढ़ा रहे हैं। बाकी जो कंट्रोवर्सी है उसके बारे में कुछ ज़्यादा बोल नहीं सकते क्योंकि इतना आइडिया नहीं है उसके बारे में। बाकी माइंड रीडिंग भी हो सकता है, क्या शक्ति भी हो सकती है, सब कुछ है। मतलब आप बीच में हो? हाँ, मैं बिल्कुल बीच। अच्छा, एक अगर आपको एक निष्कर्ष की बात कहें तो आप क्या कहोगे कि बाबा चमत्कारी है, उन्हें वाकई में बालाजी का आभास होता है या फिर साइंस है इसमें? एक्चुअली आज के टाइम को देखा जाए तो हम साइंस में ही जी रहे हैं, सब चीज़ें साइंस में ही चल रही हैं। अब ये मानना कि जादुई ताकतें वक्ती गलत हो सकता है, मैं वो पहले ही बोला एक अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी है, लोग अट्रैक्ट होते हैं उनके पास जाने में, और उन्होंने बहुत सा टाइम स्पेंड किया है कि लोगों को अपने पास खींचें, बस वही कारण हो सकता है। बट आज उनके पीछे थोड़ा जनता पक्ष में भी है, विपक्ष में भी, आप सब जानते हैं देश में कैसे चलता रहता है, ये कंट्रोवर्सी है, अभी कुछ लोग पक्ष में कुछ उनके विपक्ष में है। अच्छा, एक ये भी देखा जा रहा है, एक नज़रिया ये भी इस तरह से भी देख रहे हैं कि उन्हें बीजेपी का सपोर्ट है, लोग ऐसा कह रहे हैं, क्या ऐसा सच में है आपको लगता है?
इसके बारे में मैं ज़्यादा कमेंट तो करना नहीं चाह पाऊँगा। बाकी आजकल आपको भी पता ही होगा कि मैम लगभग जितने भी पॉलिटिशियंस हैं सब ने अपनी अपनी एक स्पोर्ट बना ली है। कुछ पार्टीज हैं जो अपनी डिफरेंट स्पोर्ट लेके चलती है, बीजेपी डिफरेंट स्पोर्ट लेके चलती है। हाँ, कुछ राजनीतिक उसमें सेटअप होता है, मैं मानता हूँ है। हाँ, 50-50 है मुझे लगता है, और कुछ भी हो सकता है, कुछ कह नहीं सकते। मतलब जिस तरह से लोग वहाँ पर जाते हैं और जिस तरह से लोग ने पॉजिटिव रिव्यू दिए हैं, उस तरह से तो लग रहा है कि मे बी बाबा जी सब कुछ भला कर रहे हैं लोगों का। लेकिन जिस तरह से क्वेश्चन भी उठाते हैं तो कभी कभी थोड़ा सा माइंड डाइवर्ट भी हो जाता है, तो कुछ कह नहीं सकते। या तो कभी दरबार में जाना होगा तब शायद ज़्यादा अच्छा बता पाएं आपको, ये हो सकता है। ये जाने का मौका मिलेगा तो आप जाएंगे? जाने का मौका मिलेगा तो ज़रूर एक बार जाना तो चाहेंगे। अच्छा, एक सवाल जो आप उनसे पूछना चाहें। बाबा जी से एक सवाल जो बाबा जी से हम पूछना चाहेंगे, जो वहाँ पे जाके मैं पूछना चाहता हूँ। एक्चुअली हमारे घर में भी कुछ ना कुछ, सबके घर में कुछ दिक्कतें होती हैं, तो मेरी भी एक छोटी सी बेटी है तो उसके साथ भी कुछ दिक्कत है, तो मैं जाऊँगा तो कभी फिर उनके बारे में ही। हाँ, मतलब आपको भरोसा है कि बाबा जी, बाबा जी से बात करके अगर हम वहाँ पे जाएंगे तो जाहिर सी बात है कि हम कुछ ना कुछ समस्या तो रखेंगे ही, और वो समस्या मेरी बेटी की ही होगी। मतलब विश्वास है आपको? हाँ, कहीं ना कहीं थोड़ा तो 50-60% तो हम कर ही रहे हैं उन पे विश्वास। सुरेंद्र राजपूत हूँ, कांग्रेस में हूँ। सर, आपको क्या लगता है ये जो हमारे समाज में इस तरह की चीज़ें हो रही है, अभी एक मुद्दा जो कि एकदम वर्ल्ड वाइड फैल गया है, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, तो क्या लगता है आपको सर, क्या वो वाकई में एक बेहतर काम कर रहे हैं या फिर कोई झोलझाल है, कोई माया है, या फिर आप लोग मुख्य मुद्दों से क्यों भटकाते हो जनता को? जनता के मुख्य मुद्दे हैं कि चमत्कार है या ढोंग है, ये कोई मुद्दा नहीं है। मुद्दा महंगाई है, बेरोजगारी है, भ्रष्टाचार है, कहीं ना कहीं आपकी औसत आय कम हो रही है, आप बच्चों को नौकरियां नहीं मिल रही हैं, आप कहीं ना कहीं सांप्रदायिक रूप से विद्वेष फैल रहा है। असलियत के मुद्दे ये हैं। ये मुद्दे जो धीरेन्द्र शास्त्री वाला है, ये आम जनता को मुख्य मुद्दों से भटकाने का प्रयास भर है। सर, ये बात आपकी सही, लेकिन एक तरह से हम देखते कि अभी हम कितने भी नेशनल चैनल लगा के देख लें, किसी भी टीवी शो की बात करें, डिबेट यही चल रही है, बच्चे बच्चे की जुबान पे यही नाम है, यही मसला चल रहा है, तो इसलिए हम भी जनता के बीच आए। सर, मेरा सवाल फिर से वही है, क्या लगता है आपको, कोई सिद्धि है, चमत्कार है, या फिर कोई झोलझाल, कोई माया है? मैं फिर से कह रहा हूँ कि चाहे वो नेशनल मीडिया हो, चाहे वो आप लोगों का मीडिया हो, ये बाकायदा एक प्रायोजित रूप से एक कार्य किया जा रहा है, कहीं ना कहीं आम जनता को मुख्य मुद्दों से भटकाने के लिए। आप लोग, हम लोग मिलकर के बात करें ना कि सांप्रदायिक सौहार्द कैसे हो मिलकर के, ताकि देश में अमन चैन शांति होगी, लोग बिजनेस कर पाएंगे। आप और हम बात करें ना कि अर्थव्यवस्था में 59 रुपये का डॉलर हमने छोड़ा था, 83 रुपये कैसे हो गया। आप लोग, हम लोग बात करें ना कि 50 लाख करोड़ कर्ज हम छोड़ करके गए थे, 150 लाख करोड़ का कैसे हो गया। बात करें ना, ये चमत्कार है या कहीं कुछ और है, या क्या है क्या नहीं है, किसी की मार्केटिंग है, इसको लेकर के आम जनता को क्यों उलझाया जा रहा है, मेरी समझ से बाहर है। देखिए, मैं बहुत स्पष्ट रूप से कहता हूँ, जबरन धर्मांतरण गैर कानूनी है। जो लोग भी जबरन धर्मांतरण कराए हैं पहले, उनको सजा मिलनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, अगर कहीं पहले जबरन धर्मांतरण हुआ उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई करें। और जो लोग इस तरीके की बात करते हैं, समाज में सामाजिक तमाम काम चला करते हैं, अच्छे काम होंगे उनका सहयोग होगा, और अगर वो गलत काम करेंगे, पाखंड करेंगे, उनका विरोध होगा।